जम्मू काश्मीर उष्णोग्रतलु कनिष्ट स्थायिकि पड़िपोयायि। श्रीनगर लोनी दाल सरस्सु पूर्तिगा मंचुतो गड्डकट्टुकुपोयिंदि। श्रीनगर लो रिकॉर्ड स्थायिलो -5 डिग्रील उष्णोग्रतलु नमोदयायनि वातावरण शाख तेलिपिंदि। कनिष्ट उष्णोग्रतलु नमोदवुतुंडडंतो जम्मूकु वच्चे पर्यटकुल संख्य तग्गुतुंदि। अलागे हिमालय राष्ट्रालैन उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश लो कनिष्ट उष्णोग्रतलु नमोदवुतुन्नायि। हम अभी कल ही रात को यहाँ पे लेट नाइट यहाँ आए। हमने यहाँ नज़दीक दल झील के नज़दीक में एक होटल लिया है और हम अभी सुबह सुबह मॉर्निंग में चाय पीने के लिए निकले हैं और हम दल झील पर देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर पतली पतली बर्फ की परतें जमी हुई है और यहाँ हम वॉक कर आए। यहाँ पर जो बीच में रास्ता रहा उसमें बहुत अच्छा फील हुआ। यहाँ के लोग भी काफ़ी अच्छे हैं और जहाँ तक हम घूमने का आनंद लेना चाह रहे हैं वहाँ तक हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से यहाँ का मौसम, यहाँ का माहौल, यहाँ पर जिस तरीके का भाईचारा है उस तरीके से हम अच्छा एंजॉय कर पाएंगे। डेवलपमेंट को देखकर कहा जाए तो यहाँ के लोगों में काफ़ी डेवलपमेंट है और बिजनेस रोजगार भी काफ़ी है देखने को मिला है, लेकिन फिर भी यहाँ पर परिस्थितियाँ देखने को बाहर हमें वहाँ रहकर बुरी लगती है तो समझ नहीं आता इसका वजह क्या है कि केंद्र से कोई ना कोई कमी रह रही होगी या फिर यहाँ पर जो सरकार नहीं है उस बात की कोई कमी हो रही होगी। इसलिए कोई चीज़ जो चीज़ गरीबों में बटनी चाहिए थी वो एक बीच लेवल के सेकंड लेवल के तबके के अंदर बट रही है और जो नीचे का तबका है वो गरीब है और वो उसी की वजह से वहाँ हालात खराब है। सर्दी बहुत अच्छी लगी है, रात को लेट नाइट ज़्यादा सर्दी थी। अब हम सुबह सुबह निकले हैं तो सूरज निकला है, लगभग लगता है हम कवरेज कर पाएंगे। हाँ, साल का पहला दिन है हम दल झील के ऊपर, हम कश्मीर जम्मू कश्मीर घूमने आए और इसलिए जम्मू कश्मीर घूमने आए। अभी लास्ट 8 महीने पहले ही हम आकर गए थे लेकिन हमारे 2-4 साथ के हमारे भाई लोग हम सब तैयार हुए तो हमें अच्छी जगह लगी थी पिछली बार आने में, इसलिए हमें दोबारा आने में कोई दिक्कत नहीं। हम दिल से आए यहाँ पर। -5.4 चल रहा था तो हर साइड से यख जमी हुई है तो इस वक्त भी हम सवेरे इस वक्त 9 बज चुके 9 से ऊपर ही है तो माइनस ही अभी है। पानी अगर जहाँ पर भी डालते हैं तो जम जाता है। तो अल्लाह ताला के इस खत्ते का लोगों ने बहुत अच्छा, जो इसका एक अपनी खूबसूरती है उसका मज़ा, उसका लुत्फ उठाने के लिए यहाँ बहुत सारे लोग आ चुके हैं। इस वक्त पिछले हफ्ते से ही यहाँ पर भीड़ जमा हो गई है, खासकर यहाँ पर हमारे लाल चौक घंटाघर के सामने कल एक बहुत बड़ा एक इज्तिमा हुआ। उसके बाद भी यहाँ गुलमर्ग में या बाकी जितने भी जो मौसम इस वक्त है, जिस चीज़ का मौसम है, खासकर बर्फबारी का मौसम कश्मीर में है, जिससे यहाँ की जो शानी रफ्ता है वो दुबला हो जाती है, तो यहाँ बर्फबारी हो जाए तो हम उससे काफ़ी मुस्तफीद भी हो जाए।